हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनल ईयर को छोड़कर जो सेमिस्टर्स हैं उनकी डेट शीट आ चुकी है। और ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव है, मतलब अभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ ये इशू हो चुकी है फॉर ऑल द ईयर्स लाइक बीटेक, बी फार्मा एंड एमबीए फोर्थ सेमिस्टर, बीआर्क एमएएम टेंथ सेमिस्टर और रेगुलर एंड सीओपी। तो दोस्तों, ये सबके लिए डेट शीट आ चुकी है फाइनली। ये टेंटेटिव है और इसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एकेटीयू ईआरपी पोर्टल से, या फिर मैं कह सकता हूँ सर्कुलर पोर्टल से, और या फिर आप अगर चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारे पास अब डेट शीट आ चुकी है। अब आपको तैयारी से लग जाना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे थे जो डेट शीट का वेट कर रहे थे कि कब डेट शीट आएगी और कब तैयारी से लगेंगे। तो फाइनली डेट शीट जो है वो रिलीज़ कर दी है अब एकेटीयू ने। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से ये मॉक टेस्ट लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट की भी जो डेट्स हैं वो 1 से 10 जुलाई के बीच में है। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए भी आप रेडी रहिएगा, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बाकी अगर एग्ज़ाम का अपडेट देखा जाए तो 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है, और जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन है वो जो लास्ट डेट है एग्ज़ामिनेशन की, वो वैसे मैं सेमिस्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ या फिर कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ 31 अगस्त लास्ट है। तो मतलब कि कुल मिलाकर एक महीना पूरा जो अगस्त का मंथ है वो आपका एग्ज़ामिनेशन में जाने वाला है। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। और बाकी 1 से लेकर 10 जुलाई तक जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और प्लीज़ उसको लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर काम करने वाला है और क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटी होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमसे कोई कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।